अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा के द्वारा ब्राह्मणों को अभद्र गाली देने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश भर में आक्रोश व्याप्त है। वीडियो में कांग्रेस नेता ब्राह्मणों को अत्यंत बेहुदा गाली देते हुए दिखाई व सुनाई देते हैं। रीवा में युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भाजपा नेता गौरव तिवारी नेतृत्व में बयान के विरोध में कमलनाथ व के मिश्रा की फोटो लगाकर शहर के मुख्य मार्केट शिल्पी प्लाजा में पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। भाजपा नेता तिवारी ने आरोप लगाया कि के मिश्रा के द्वारा दिया गया बयान कमलनाथ व दिग्विजय सिंह के सह पर दिया गया है। यदि ऐसा नहीं है तो कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा पर कार्यवाही करते हुए उसे पार्टी से निष्कासित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी जातिगत बयानों व कृत्यों का विरोध करती है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की नौटंकी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके नेता समाज को तोड़ने वाले बयान देते हैं। युवा भाजपा नेता बिजेंद्र गौतम ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लोगों का अपमान करना फैशन बन गया और सबसे दुखद बात यह है कि समाज को तोड़ने वाले ऐसे व्यक्तियों को कांग्रेस अपने दल का प्रवक्ता बनाकर रखती है। ऐसे लोग सभी सामाजिक एकता में बाधक हैं। पुतला दहन से उक्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा आईटी सेल पूर्व जिला सह संयोजक सहित कई युवा उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद, 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 के मिश्रा मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कमलनाथ हाय हाय। के मिश्रा का जो बयान आया है, जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी है, हम ये पूछना चाहते हैं कि वो किसके इशारे पर गाली दिया है उन्होंने? कमलनाथ जी के इशारे पर दिया है कि दिग्विजय सिंह के इशारे पर दिया है? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे ये समाज तोड़ो यात्रा करवा रहे हैं? इस तरह का बयान किसी समाज को तोड़ने के लिए बहुत है। ये समाज को तोड़ने का काम कर रही है कांग्रेस और इसकी खिलाफत भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है और हम सब इसी का विरोध करते हुए यहाँ पे कमलनाथ के मिश्रा जी का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन करने आए हैं। और हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि कोई भी दल, कोई भी नेता किसी भी तरह से समाज को तोड़ने का काम करे। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस उन पर कार्रवाई करे, कमलनाथ उन पर कार्रवाई करे और कड़ी से कड़ी कड़ी कार्रवाई करे। नहीं तो केवल यही और यही माना जाएगा कि उनके शह पर ही ये सब हो रहा है, उन्हीं के शह पर गाली गलौज करवाई जा रही है। बयान देने के बाद भी तुरंत पलट गया कि मेरे द्वारा ये बयान नहीं दिया गया। तो वीडियो सार्वजनिक हो चुका है, आपको क्या लगता है? सार्वजनिक है वीडियो, मना कर देने से क्या होता है? उन्होंने साफ साफ वीडियो में जो दिख रहा है बोल रहा है, कोई फैब्रिकेटेड हो तो बताए। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।